लद्दाख एक्सप्रेस चैनल अंतंगामा मोहम्मद मुसा करगिली शरबा खचीर मंग कतुदुक टैक्सी यहाँ देना चोखला मिनी बसी रेडपू खिमोले निंदुक जरे यानी दिवला सिर चिकमा ने मिंदुक जरे चैनल खुंती जबानी खुंती खे का नंगन मिफलुक्स बेत दिश मांग पुगा चोख शियोतीन रहमान रहीम बड़े धन्यवाद लद्दाख एक्सप्रेस टीम का जो कि आज आप यहाँ पे जनता की आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए आया है, हमारी बातों को सुनने के लिए आया है। हमें ये इशू है थोड़ा सा यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट कमर्शियल व्हीकल का थोड़ा इशू है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिबेट ये देना चाहता हूँ। फ्यू डेज पहले लद्दाख रीजनल हेड ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जो कि अभी मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको ये प्ले करना चाहता हूँ। स्पेशली शॉर्ट ब्रीफ में ये है कि हमारे जो इनर रोड के जो ट्रांसपोर्ट है, जो बस होते हैं या ओमनी वैन्स होते हैं, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं जो इनर रोड के अंदर चलते हैं, उनका कोई ऑथेंटिक रेडलिस्ट नहीं है उनके पास। और मैं ये चाहता हूँ, गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इनको आप एक ऑफिशियली जो रेडलिस्ट दे दीजिए ताकि आम जनता जो युवा स्टूडेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। अभी यहाँ से जो 1 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर भी जाते हैं तो पब्लिक सेम कॉस्ट लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना रेट होना चाहिए या नहीं, वो तो गवर्नमेंट को पता है। लेकिन मैं RTO कारगिल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप आवाम के लिए इस चीज़ के ऊपर कंसर्न करें और एक ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से एक रेडलिस्ट निकालें। हालाँकि देखिए, आपका स्टेटमेंट में रीजनल अथॉरिटी जो हमारे RTO रीजनल हेड ऑफिस की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आया था, मैं ये प्ले करता हूँ। इसमें ये जो लद्दाख ट्रांसपोर्ट के जो ऑफिसर वो क्लेरिफाई करके कह रहा है कि बोथ डिस्ट्रिक्ट मीन्स कारगिल और ले दोनों, तो कारगिल ले में ये पब्लिश हो गया है। हालांकि इन्होंने हर बस में जाके इंस्पेक्शन करके लोगों को पूछा है, हमारे RTO डिस्ट्रिक्ट कारगिल के RTO बिल्कुल खामोश है, जनता के बारे में ये लोग कुछ मतलब फिक्र नहीं कर रहे। तो हम ये अपील करते हैं DM साहब से भी और अदर्स ऑफिसर जो रीजनल ऑफिस हमारे हैं, RTO ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे एरिया के जितने भी एरिया हैं हर इनर रूट के एक अच्छा रेडलिस्ट होना चाहिए। हमारे मैं स्पेशली जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं ट्रेसपोन से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे हमारे जो बसेस चलते हैं कमर्शियल व्हीकल्स जो बस होते हैं वैन होते हैं ये दोनों, इनके पास भी कोई ऑथेंटिक रेडलिस्ट नहीं है। हालांकि कोविड से पहले एक रेडलिस्ट था जिसमें मुझे याद है 23 रुपये ट्रेसपोन तक रेडलिस्ट लिया कर उन लोग रेट लिया करता था, लेकिन जैसे कोविड आया, कोविड के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि 50% आप सीट लेके चला करो बोल के उनको ये बोला था, लेकिन उनको ये नहीं कहा था कि आपको ये रेडलिस्ट इशू किया। फिर उन्होंने 50 रुपये लिया, 50 के बाद उन्होंने लेस करके 30 रुपये लिया, हालांकि उनके पास कोई रेडलिस्ट नहीं है। अभी ट्रेसपॉइंट की रूट में जहाँ पे आवाम होते हैं, कोई आशना से मतलब पैसेंजर चढ़ते हैं, मिंजी से चढ़ते हैं, चेथा से चढ़ते हैं, छलेसकू से चढ़ते हैं, तो इन सबको ये बहुत बड़ा एक इशू है जो मैं आपके सामने मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ। और सरकार से भी अपील करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप एक ऑफिशियल रेडलिस्ट जल्दी लागू करें। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हर देश में मतलब ओवरऑल इंडिया में हर जगह एक छात्रों के लिए जो विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं उनके लिए हर स्टेट में एक अलग रेडलिस्ट दिया जाता है स्टूडेंट को। हालांकि ये कहते हैं कि इनके पास अगर कॉलेज या स्कूल होते हैं, इनके पास अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड होता है तो उनके रेडलिस्ट अलग होते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना स्टूडेंट से सेम रेट, आम ड्यूटी वाले से भी रेट बिल्कुल, लोकल पब्लिक जो बिजनेस करते हैं उनसे भी सेम रेट। तो स्टूडेंट को भी थोड़ा गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर स्टूडेंट के ऊपर भी थोड़ा फोकस करें जो आजकल सिटी एरिया में पढ़ाई करते हैं, या GDC कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, और प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं ट्रेसपॉइंट एरिया से, मिंजी से आते हैं, और इराका चिकतन हर एरिया से जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कंसर्न फोकस करें और स्टूडेंट के लिए भी एक सहूलियत देनी चाहिए। शरबान जरबान अजम से रेडलिस पू रिवाइज बुजरंदुक चाज न कतो दिवा रेडलिस छिर चिता से मैंने यहाँ चमिंदुक जिंदुक गाँव मलसा ची के छात न कतो दे मलसा नुक रेटुन खिमो लेनंदुक जरंदुक खिमो छंदुक जिंदुक चाहे मिनी बस इन चाहे वैन इन या गचुक व्हीकल चियो न कतो प्राइवेट व्हीकल डूलेन्यो न कतो दोनों दी कमर्शियल गाड़ी निस दी स्ना बार को शायद।